थोड़ा सैड तो बिहेव करो करेंगे क्या। अरे गाइस हम थोड़ा हंस रहे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन व्लॉग की शुरुआत है। बट एक्चुअली क्या हुआ, मैं अभी थोड़ा सा लेट गया था, थोड़ा सा डिजी फील कर रहा था, तो 4:30 बज रहे अभी एक्चुअली। तो मेरे को फोन आया, एक बार फोन आया, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, दीदी टाइम पास करती है मेरे साथ बातें करके हम दोनों एक दूसरे का। मैं चलो फिर दूसरे में कुछ तो हो गया भाई, फिर भाई पता चला दीदी का तो एक्सीडेंट हो गया पीछे, कुछ पैर में कोई स्कूटी वाला मार गया बट लकीली आई थिंक अंदर की चोट है, तो एक बार देखना बस हड्डी वड्डी ना टूट गई कुछ भी, लेट्स सी। वैसे तो सब सही होगा, इतना भी नहीं, अदरवाइज इंसान इतना अच्छा नहीं है। हाँ जब कुछ इतनी ज्यादा चोट नहीं, तो जा रहे जल्दी से एम्स, एक तो शुक्र क्या क्या अपने के नाम की भैंस मार रखी तो हमारी चोट नहीं है। एक्चुअली तो हमारे घर से एम्स पास है, तो ये प्लस पॉइंट ज्यादा है, 20 मिनट लगते हैं हमें पहुँचने में, तो वहाँ पे एक बार इमरजेंसी में दिखा रहे हैं। सो बेसिकली द थिंग्स आर बिट अंडर कंट्रोल, मीनिंग अभी एक्सरे करवा लिया है, तो अभी दीदी, क्योंकि एक्चुअली मैं उन लोगों में से ज़्यादा खड़ा, जब आप पेशेंट के साथ तीन लोग हो जाते हैं तो इट्स वैसे इतनी बुरी हालत में लोग होते हैं, तो मैं बाहर आ गया थोड़ा सा, बिकॉज आई दीदी कैन हैंडल इट। सो थैंक्स यार, एक मेरा फ्रेंड है यहाँ पे डॉक्टर अरुण, सो थैंक्स टू हिम यार, ही काइंड ऑफ गॉट अस वेरी, बहुत इजीली ही गॉट अस इनसाइड एंड ही हेल्प्ड अस वेरी मच, ऑल दो वो यहाँ पे था भी नहीं, बट इट्स गुड यार। ये वेजिटेरियन है मुझे लगता है, होपफुली, बिकॉज ही इज ईटिंग लॉट ऑफ प्लांट। They don't like junk food, I guess. They don't like it. Just back, अभी थोड़ा सा हॉस्पिटल के बाहर आ गया हूँ मैं, एंड तो हुआ क्या था एक्चुअली, दीदी बताएगी क्या हुआ, अभी आ ही रही है, बस मैं पार्किंग में आया हूँ, तो पार्किंग में सभी गाड़ी लेके जाऊँगा उनके पास, अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा उनको, बट यू नो आई जस्ट रियलाइज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड टू नो पीपल, यार पता नहीं मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में, तो मैं जानना लोगों का, अदरवाइज इट्स जस्ट नॉट इजी, यू नो, अदरवाइज हम नॉर्मली आते तो इट वुड हैव टेकन मोर देन लाइक आई डोंट नो हाउ मच टाइम टू जस्ट फिक्स दैट थिंग, कि भाई कितने, बहुत टाइम लग जाता है। मैं देखे हैं लोग इमरजेंसी में से आते एंड दे डोंट गेट लाइक बेड फॉर अ डे टू डेज, अभी मैंने बल्कि डॉक्टर को भी कहते हुए सुना, आई डोंट वांट टू से इट, बट यू नो, सो देयर इज अ पेशेंट जिसके पेशेंट बेड पे लेटी हुई थी, एंड तो एकदम से वो तो उन्होंने पूछा, मैंने चलो छोड़ो मैं नहीं बता रहा है, मीनिंग मुझे लगता है कि आई शुड नॉट से समथिंग बैड अबाउट डॉक्टर्स एनी हाउ, बिकॉज आई टोटली अंडरस्टैंड वो भी कितने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं यहाँ पे काम करके, बिकॉज यू नो पीपल डजंट लिसन, पीपल यार बहुत उन, देखो सब वो अपने दुख में, तो मैं ज़्यादा इस चीज़ में वही बोल पाऊंगा, बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी पोलाइट विद ईच अदर, एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व बाई टॉकिंग नाइसली टू ईच अदर, एंड ट्रस्ट मी दिस वर्क समटाइम्स, यू नो आप कोई आपसे गुस्से से बात करो, उससे प्यार से बात कर दो, उस टाइम अपने आप ही बंदा ऐसा हो जाता है कि हाँ यार ठीक है, मैं ठीक है, आई शुड काम माई टिट्स डाउन, यू नो, सो आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट, सो इट्स ऑल गुड फाइनली, आई नो इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, मैं तो अपने जिम विम जा रहा था एडिट करने वाला था, बल्कि अभी मैं घर जाऊँगा फिर एडिट करूँगा, बट अंत भला तो सब भला वाली बात हो गई अब, ठीक है। इसे वहां अंदर बैठा रखा था ना रूबी को, हाँ। के इसका वुंड देखने के लिए ज्यादा तो नहीं है, अंदर आ तो गया, वहाँ डेड बॉडी लिया है, वो पूरा जिपर में करके फिर भाई कितना, लेकिन एक चीज है, कितनी बुरी हालत है ना यहाँ पे, मीनिंग सही में बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है, मीनिंग इतने, आप ये गाइस आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, लाइन में इमरजेंसी के बाहर लोग हैं, मीनिंग मुझे लगता है सरकार इतना पैसा इधर उधर लगाती है, तो मुझे लगता है हॉस्पिटल्स पे और लगाना चाहिए, आई एम श्योर लगाती तो होगी, बट मुझे लगता है और लगाना चाहिए भाई जितना लग सके, बाहर लोग ज्यादा आते हैं, पेशेंट्स ज्यादा आते हैं, और पॉपुलेशन तो हर एक चीज का, वो है ही एक सबसे बड़ा क्या कहते हैं रीजन, गवर्नमेंट कहाँ तक करेगी पॉपुलेशन, ये तो है। तुम ठीक हो गए? नहीं बिल्कुल ठीक, थोड़ी के हुआ था, मैंने चोट लग गई, मैं घर से बाहर निकली, रोड पे आई तो एकदम से स्कूटी वाले ने ठोक दिया, और तुमने ठोका फिर उसे? नहीं, फिर वो कुछ भाग गया, ठोकते एकदम, नहीं नहीं वो तो रुक गए थे बेचारे, ठीक थे, बोल रहे थे कि पट्टी वट्टी करवा दे, मैं कहा नहीं ठीक है जाओ, तो ठीक है ना, वैसे हम जल्दी क्या किसी, मतलब पर खुद तो उठ नहीं पाई थी ना, लकीली कुछ लगा नहीं एक्चुअली, ये चीज है कि कुछ फ्रैक्चर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, बट उस टाइम ऐसा लग रहा था कि वो मोटा होता जा रहा था एक्चुअली, दैट्स हां, ये डिसलोकेशन भी नहीं है, फ्रैक्चर भी नहीं है, दैट्स सो कूल। चलो गाइस, सुबह दोपहर से शाम हो गई, अब 2-2.5 घंटे तो लग ही गए, कुछ ही कहो 3 घंटे लग गए, बट ठीक है, बस 2.5 घंटे अभी थोड़ा जूस, डाउट तो क्लियर हो गया कम से कम। First of all, it's
8/22/25 में आई वॉज जस्ट एडिटिंग अप, एडिटी खत्म कर रहा था, मैं घर आ चुका हूँ वापस। तो आज मेरे साथ बड़ी फनी चीज हुई गाइस। तो दीदी ठीक है, अभी दीदी इज ऑल फाइन, अब मैं घर आके एडिट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास और ब्लॉग्स भी थे जो सैटरडे संडे शूट करे थे, बट आई वॉज लाइक यू नो इट जस्ट स्टे अपडेटेड वाली चीज हुई, मेरे साथ मैंने डाल दिया। तो एक्चुअली चीज हुई, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो यार एक बंदा ना मेरे को वहां पे जानता था, तो उसने मेरे को मैसेज किया, मैं चलो अपना इंस्टाग्राम तो देखते रहता हूँ, तो उसका मेरे पास मैसेज आया, ही मैसेज्ड मी हे इट्स अर्जेंट। आई सेड यस बोलो, तो मैंने कहा आई सॉ यू, उसने बोला आई सॉ यू, मैंने अभी भैया आपको देखा एम्स में, एक्चुअली आई वर्क देयर, एवरीथिंग इज फाइन ना। मैंने कहा यू शुड हैव आस्क्ड मेरे को, जब तुमने देखा, जब भी पूछ लेता ना कुछ फाइन था या नहीं था। तो देन ही रिवर्टेड बैक टू मी, भैया मैं थोड़ा शाय हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझ पे हुआ नहीं वो चीज एंड ऑल, बट गाइस इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं आपको मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया, देखो। तो दिस वाज द थिंग, एंड आई फील अगर आप कभी भी मैं आपको ऐसे देखता हूँ कहीं पे, प्लीज फील फ्री टू से हाई, मीनिंग मुझे कितनी, अगर बाय चांस मैं किसी को पहले भी मैं ना जानता हूँ, सो मे बी आई नीडेड यू देयर, यू नो। तो मुझे लगता है यार ठीक है यार, इतने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये सब टर्म्स छोड़ के दिमाग से निकाल के बस एक हेलो करो, और तुम मेरे को इतने अच्छे से जानते हो, या फिर तुमने मेरे को कभी भी देखा है, डू आई लुक लाइक फ्रॉम द फेस आई एम गोना किल यू, डू आई लुक लाइक द पर्सन की भाई जब मैं कहूंगा कि यार क्यों हेलो बोल रहा है, क्यों आ गया मेरे से बात करने, ठीक है भाई जब मेरे से कोई बातें करने आता है ना, अगर मैं बहुत अच्छे मूड में हूं तो बहुत कम से कम 5-10 मिनट बातें खींचूंगा, अगर बुरे मूड में भी हूं ना तो भी मैं 1-2 मिनट आराम से बातें करता हूँ, मैंने कि बंदे को अपनी तरह से, क्योंकि यार मेरे को नहीं पता बंदा मेरे को भी जिंदगी में दोबारा मिलेगा, तो मैं अपना बेस्ट देता हूँ कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ, दैट्स इट। ओके गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, आई नो दिस व्लॉग वाज, बट यू नो इट्स ऑल अबाउट डेली व्लॉगिंग, में जो हो रहा है जिंदगी में वही तो दिखाऊंगा ना, तो यही हो रहा है मेरी जिंदगी में, सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड फॉर द न्यू चैप्टर्स इन द लाइफ कमिंग, एंड जस्ट स्टे हैप्पी गाइस, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब जिंदगी का हिस्सा है, खुशी गम सब कुछ आपके साथ ही रहना है, तो आप भी खुशी से जीते रहो, चलो बाय।